ओके मालिक गुड मॉर्निंग होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड ओके वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर एक बार मैं सिक्वेंशली बता देता हूँ आपको ओके जो जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बचा हुआ है क्या बचा हुआ है एंड अदर थिंग्स ओके वी हैव डन विथ रिस्पेक्ट टू

ऑल टुगेदर आप देखोगे तो यहां पर चैप्टर 13 तक आपका मॉड्यूल एंड हो जाता है लेकिन ओके देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स व्हिच आर नॉट कवर्ड इन चैप्टर तो वो मैंने आपके अगर आपको टेक्स्ट बुक मिलेगी वो टेक्स्ट बुक में आपको चैप्टर 14 करके मिलेगा जहां पर स्टैंडर्ड जो कवर नहीं है वो कवर किया हुआ है तो चैप्टर फोर्टीन में आपको स्टैंडर्ड्स विच आर नॉट कवर्ड इन चैप्टर्स विल बी कवर्ड आर एप्लीकेबल टू यू एग्जांपल एसक्यूसी वन एप्लीकेब है क्योंकि आपको याद होगा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट अगर आपको याद होगा okay, तो वो कॉन्सेप्ट एसक्यूसी वन में एक्सेप्ट उसके अंदर ईक्यूसीआर एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू का एक बताना पड़ेगा okay, उसके अलावा ऐसे टू है जो लॉज एंड रेगुलशन रिलेटेड है और एक रहेगा ऐसे सिक्स टेन जो आपको एप्लीकेबल है

दो लेक्चर में काम हो जाना चाहिए। ये घंटे का काम है। मतलब बैंक को करेंगे, डिफरेंट को को खत्म खत्म करेंगे, करेंगे, फिर जिसके अंदर अपने गवर्नमेंट ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट है जो मेजर है

तो अब अपने को खाली इतना ध्यान रखना पड़ेगा चैप्टर नाइन्थ के टाइम पे कि भाई अपना रिलेवेंट फिकोलॉजी हो तो जब चैप्टर नाइन्थ में जाएंगे तब अपन देख लेंगे लेकिन मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया कि अभी अगला सीक्वेंस क्या होगा चार घंटे अपने ये चैप्टर टेंथ कंपनी ऑडिट और जो बचे हुए स्टैंडर्ड है उसके इसमें अप्रोक्सिमेट घंटे लगेंगे उसके बाद बैंक ऑडिट में अप्रोक्सिमेटली चार घंटे लगेंगे और उसके बाद ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी में तीन दो मेजर ऑडिट्स है जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा यानी गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू बोलते हैं जिसको अपन और एक कॉपेटिव सोसाइटी ये दो मेजर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बहुत ज्यादा मतलब अप्रॉक्सिमेटली फोर आवर्स ऑर्ड ओके वही कॉन्सेप्ट है पचार चार घंटे चार साढ़े चार घंटे लगेंगे और दो घंटे अपने को बैलेंस उसके अंदर हॉस्पिटल का ऑडिट क्लब का ऑडिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट दो से तीन घंटे का काम लगेगा अप्रोक्सिमेटली और बचा हुआ पोर्शन रहेगा दो ढाई घंटे आई डोंट नो वो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे को कितना टाइम लगेगा पंचायती करते वक्त जितना ज्यादा पंचायती करूंगा उतना वो बड़ा होता जाएगा जितना कम पंचायती करूंगा

कोई चार्ट कॉन्सेप्ट बना के देता है कंटेंट में कोई चेंज नहीं है मालिक कंपनी ऑडिट का सेक्शन में किधर चेंज होने वाला है कोई कॉन्सेप्ट में चेंज होने वाला नहीं है मालिक तो प्लीज डू अंडरस्टैंड एकदम आराम से रहिए मालिक ओके okay, सबसे पहले चैप्टर टेंथ के अंदर ओके okay, अपना कंपनी ऑडिट कवर है कंपनी ऑडिट में सबसे पहला पोर्शन जो अपने लिए कवर होगा वो होगा एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर

Okay, ये भी अपन कर चुके हैं अपन ने दो पॉइंट में डिवाइड किया था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अगर आपको याद होगा तो मैंने चार्ट बना के दिया था फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे ये डिस्कस किया था इसके अंदर ओके okay, इस कितने दिन में सबसे पहले बोर्ड अपॉइंट करता है बोर्ड फेल हुआ अपॉइंट करने में तो मेंबर अपॉइंट करेंगे वो टाइमलाइन दिया हुआ था ओके okay, और गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट में कैग अपॉइंट करेगा कैग फेल हुआ तो बोर्ड इस कंटेक्ट में अपन ने बात किया था और सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ टैग अपॉइंट करता है विदिन वन एटी डेज ये कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस किया हुआ था विद रिस्पेक्ट टू दिस पोर्शन तो ये हुआ आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर तीसरा कॉन्सेप्ट है रोटेशन ऑफ ऑडिटर मेरे ख्याल से रोटेशन ऑफ ऑडिटर भी आपको क्लियर होगा कि आपको मालूम था देर वॉज अ सर्टन क्लास ऑफ कंपनी विच हैज बिन गिवन ओके जब मैं समझा रहा था तो मैंने आपको बताया देर आर सर्टन क्लास ऑफ कंपनी जिनके सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसके सब्सिक्वेंट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते वक्त आपको मालूम मा, मालूम होगा कि भाई अगर मैंने

वो सीए फाइनल में नहीं दिया हुआ है तो ट्रांजिशन पीरियड का डिस्कशन मतलब क्या था सर कंपनी एक्ट 2013 में आया मैं वापस बता दूं ये अभी एक्चुअली देखा जाए तो रिलेवेंट नहीं है लेकिन आपके मॉड्यूल में अभी भी कवर्ड है 100 अरे ट्रांजिशनल पीरियड यार 2013 में कंपनी एक्ट आया जब नहीं ये पहली बार एक्ट आया तो उसके पहले तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो अपने-अपने हिसाब से किए होंगे हमने

उसका पॉइंट था उसके इसमें एवर इज हाइयर जो भी पॉइंट था उसके इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा अब ये पॉइंट है कि तीन साल जो भी हो गया वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है तो ये बहुत रेयरली कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में एप्लीकेबल होगा लेकिन अपने मॉड्यूल में कवर्ड है तो हमें कवर करना जरूरी है तो मैं वो डिस्कस करूंगा तो यहां पर ये ये पोर्शन अपने अपने को डिस्कस करना है ये अपने अभी नए नोट्स जो मेरे दिए हुए हैं आपको आपको नए नोट्स ऑलरेडी और सॉफ्ट कॉपी आ गई है और हार्ड कॉपी आपके पास पहुंच रही है तो नए नोट जो दिए हुए हैं यहां पर ये पैरा वन में कवर्ड है ये पैरा टू में कवर्ड है ये पैरा थ्री में कवर्ड है इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं ये पैरा थ्री को

इसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑडिटर्स रेमुनरेशन की भी कहानी खत्म कर चुके अपन रेमुनरेशन रेमुनरेशन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं okay, रेमुनरेशन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ओके okay, ये पैरा नंबर फाइव है ये यार यार पेन चलने में दिक्कत क्या सब मैंने सब कर लिया पैरा नंबर फाइव है और ये होने के बाद अपने लिए ऑल टुगेदर वापस आता है अगला पॉइंट रिमूवल ऑफ ऑडिटर आपको याद होगा रिमूवल ऑफ ऑडिटर दो तरह से मैंने आपको समझाए थे एक है मेंबर्स रिमूव कर रहे हैं और रिमूवल ऑफ ऑडिटर और एक है ट्रिब्यूनल रिमूव कर रहा है दोनों के कॉन्सेप्ट अपने पास कवर्ड थे और दोनों के कॉन्सेप्ट में अपने पास ये कॉन्सेप्ट कवर्ड रहा है ओके ऑलरेडी कवर्ड हुआ है पैराग्राफ नंबर सिक्स में तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर है मेरे को इसको बताने की जरूरत नहीं है और एक कॉन्सेप्ट अपने को कवर है एडिशनल दैट इज कॉल्ड सीलिंग Of audit

देगा हो सकता है कारो ट्वेंटी सिक्सटीन एप्लीकेबल ना हो तो आपको इसमें कारो ट्वेंटी 20, जो ट्वेंटी ट्वेंटी हो चुका है वो एप्लीकेबल होगा इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आने के बाद आई एम नॉट श्योर कि मे 21 में भी होगा जब भी हो तभी हो आपको एक एडिशनल ये ध्यान रखना होगा कि 2016 को छोड़कर 2020 देखना पड़ सकता है आपको कारोगा लेकिन अभी के लिए नोटिफिकेशन क्लियर है एंड प्रोबेबली फ्रॉम नवंबर ट्वेंटी ऑनवर्ड्स ओके कारो ट्वेंटी एप्लीकेबल आई एम नॉट श्योर इट लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक इंस्टीट्यूट का यह पॉइंट नहीं करने का मतलब ज्यादा नहीं करेगा अभी आपने ट्वेंटी ऑलरेडी खत्म कर

तो अगर आप ये नोट रिफर करोगे तो थोड़ा समराइज वर्जन में है लेकिन मैंने जब नोट्स लिखने बोले थे कारो के टाइम पे आपने बनाए होंगे समराइज नोट तो वो आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है जिससे सब कुछ याद आ जाता है कारो के इसमें तो ये आपका कारो है ये भी कवर हो चुका है अपना इसके बाद अपने लिए आता है ज्वाइंट ऑडिट अब ये है ज्वाइंट ऑडिट मतलब एस टू ये अपने को पढ़ना होगा मालिक ये अपने को पढ़ना होगा इसका चार्ट मैं सेपरेटली बनाऊंगा जॉइंट ऑडिट के टाइम पे ये होने के बाद और एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रांच ऑडिट ब्रांच ऑडिट के सर कुछ पोर्शन मैंने कवर किया हुआ है सर क्या पोर्शन कवर किया हुआ है सर सेक्शन 128 129 बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको याद होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पर रहेगा क्या रहेगा और ब्रांच का एक्सेस होगा कि नहीं होगा इस पॉइंट पर अपने डिस्कस किया था ओके सेक्शन 128 का पॉइंट अगर वो लेक्चर का लास्ट लास्ट पॉइंट देखे तो उसमें यही समझाया हुआ है यहां पर थोड़ा ऐसा एसएस 600 का जिक्र किया हुआ है मैं जब वो पॉइंट आऊंगा तब तो मैं आपको समझाता हूं क्योंकि एसएस 600 अपने को एप्लीकेबल नहीं है आप इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन देखोगे ओके ऑल टुगेदर मतलब इवन यू आर गिविंग एनी अटेम्प्ट डजंट मैटर मई 21 आल्सो नवंबर 21 आल्सो 600 अभी तक आपको मतलब इंटर को एप्लीकेबल ही नहीं किया इन्होंने 600 ऐसे 600 एप्लीकेबल नहीं है लेकिन इसका ऐसे एंड सिक्स का जिस दिया हुआ है इसके अंदर इसीलिए अपन लोग पढ़ रहे हैं ऐसे देखा जाए तो ऐसे 600 हंड्रेड स्टैंडर्ड 600 अपने को एप्लीकेबल नहीं है लेकिन इधर उन लोग ने दिया तो इसमें मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ ऐसे 600 का समझाना पड़ेगा तो अपने को ब्रांच ऑडिट एक एडिशनल पॉइंट रहेगा ये होने के बाद अपने लिए और एक पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट ऑडिट ओके ये कॉस्ट ऑडिट अपने को करना रहेगा कंपलसरी पोर्शन है ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन रहेगा कॉस्ट ऑडिट में अपन टाइम डालेंगे एंड कॉस्ट ऑडिट ओके ये है अपने लिए पैरा नंबर ये पैरा नंबर थर्टीन है ये पैरा नंबर ट्वेल्व है इलेवन टेन और इलेवन और कारो में कवर हो जाता है ये पैरा नंबर ट्वेल्व है और ये पैरा नंबर थर्टीन है एक बार देख लेता हूं मैं ज्वाइंट ऑडिट का पैरा नंबर ट्वेल्व में

तो ओके okay, तो, एस सच कुछ नहीं है, okay, तो आप ये इग्नोर करिए इसमें ट्वेल्थ पैराग्राफ है थर्टीन पैराग्राफ है ये भी अपने को करना है एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन वन फोर्टी सेवन नॉन कंप्लायंस ऑफ ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है अपन ने जो पढ़े हैं आपने कंपनी ऑडिट में ये नॉन कंप्लायंस किए है ओके okay, तो इसका कितना इंपैक्ट होगा क्या पेनल्टी होगी कंपनी पर और क्या पेनल्टी होगी ऑडिटर के ऊपर ये येक्चर में आपका ब्रीफ डिस्कशन रहेगा इसमें मेजर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नया नहीं है ये आपको ऑलरेडी पता है एक हाथ दो चीज मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको समझा रहा हूं दो तीन चीजें उसमें एडिशनल एनालिसिस कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा अपन ओके ये मेजर पोर्शन है आपका एक छोटा पॉइंट है जो करेंगे मालिक। और उसके बाद एक पांच मिनट रखते हैं चार्ट बना लीजिए उसके बाद फिर चालू करते हैं बेसिक पॉइंट पे तो ये चार्ट बनाने में डाल दीजिए उसके बाद चालू करेंगे मालिक और पैरा नंबर इलेवन नहीं है ये ध्यान रखना नंबरिंग एरर हो गया है उसमें ओके okay, ज मालिक तो अभी अपन ऑल टुगेदर है तो अगर अगर नहीं हुआ बना रहेगा तो पॉज कर देना मालिक ओके okay, मैं स्क्रीन चेंज करूँगा अभी <clears throat>

अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है जिनका पेड शेयर कैपिटल या या तो तो करोड़ करोड़ से कम है, या तो 50 करोड़ से कम कम है है बट हैविंग पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स ओके ऑफ फिफ्टी करोड़ और मोर यानी ये कॉम्बिनेशन में इन्होंने जो बोरोइंग्स किए हुए हैं आदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग होनी चाहिए बैंक से या पब्लिक डिपॉजिट से बोरिंग होनी चाहिए पचास करोड़ के ऊपर इनके लिए एप्लीकेबल है

Either आप ऑडिटर पांच टर्म पांच साल के लिए अपॉइंट किए गए अगर प्रोपराइटर है पांच साल के लिए होगा अगर पार्टनरशिप फर्म है तो दस साल के लिए रहेगा मैटर आप पांच साल के लिए हो या दस साल के लिए हो, जैसे ही आपका पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद आपको पांच साल का कूलिंग पीरियड आपको ध्यान में रखना होगा दिस इज वट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अर्लियर पोश्चन तो सर वट आर द थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन ओके दीज आर दिंग्स विच आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इज योर पैरा नंबर थ्री पॉइंट टू इसके ऊपर वाला पोर्शन तो अपन सब समझा चुका आपको ये है इसको आपने नोट करना है अपने इसमें इसके लिए ये रूल्स है जो सीजी ने निकाले हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हुए दमिटी शेल रेकमेंड टू द बोर्ड द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर और द ऑडिट फर्म हु मे रिप्लेस द इन कम्बेंट ऑडिटर ऑन एन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सचिन कमेंट ठीक है ओके यानी ऑल टूगेदर जो ऑडिटर uh, uh, का टर्म खत्म हो चुका है उसके बाद ऑडिट कमेटी वो अपना रिकमेंडेशन करेगी ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता ही था ऑलरेडी कि रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी से आता है लेकिन ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन अगर बोर्ड को अच्छा नहीं लगा तो बोर्ड वापस ऑडिट कमेटी को बोलेगी कि नहीं नहीं भाई रिकमेंडेशन को चेंज कर वापस ऑडिट कमेटी अपने रिकमेंडेशन पे सोचेगी और वापस वो रिकमेंडेशन देगी बोर्ड को अगर बोर्ड को लगता है वो रिकमेंडेशन कंटिन्यू करना है तो करेगी नहीं करना है तो बोर्ड अपना रिकमेंडेशन से जाएगी लेकिन अपने बोर्ड रिपोर्ट में वो डालेगी कि ऑडिट कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था लेकिन हमने वो सिलेक्ट नहीं किया अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन वो रूल्स में रोटेशन के बाद भी ऑडिट कमिटी का ही रहेगा वेयर कंपनी बोर्ड शेल इट सेल्फ कसिडर द मैटर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर एंड मेक्स इट रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट ऑडिटर बाय द ओके दिस फर्स्ट टू पॉइंट इज नॉट ए बिग डील एट ऑल बिकॉज दिस इज वॉट ऑलरेडी स्टडीड नाउ कम्स मेनली अ थर्ड पॉइंट For the purpose of rotation of auditor, unless lejiye, maalike, in case of auditor, whether individual or audit firm, the period for which the individual or firm has held, hold, held the office as auditor prior to the commencement of act shall be taken in account for calculating a period of 5 years and 10 years as the case may be. ये एक्ट आने के पहले ये 2013 में जब एक्ट आया उसके पहले ओके okay, अगर आपके पास कोई ऑडिटर था तो उसको अपन 10 साल और 5 साल के कंसिडरेशन में लिया जाएगा यानी ऐसा नहीं होगा 2013 में आए और वापस आप 10 साल नया टर्म चालू करोगे उसका जो ऑलरेडी आपके पास 10 साल काम कर चुका हो या आपका पांच साल काम कर चुका हो ओके okay, तो आपको यह समझना है आपका एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसको अपन दस और पांच के स्लैब में बिठाएंगे मालिक ओके okay, इसको मैं एग्जांपल वाइज मैं समझाता हूं लेकिन लॉजिकली आप दिमाग में रखिए इसका मतलब ये होगा 2013 के पहले जो भी ऑडिटर होगा ओके टर्म विल विल बी बी देयर इट इंक्लूडेड फॉर फॉर 10 एंड 5 इयर्स लॉजिकली दैट श्योर द इनकमिंग ऑडिटर ओके इसके एग्जाम्पल को अपन बाद में डिस्कस करेंगे देखिए आगे द इनकमिंग ऑडिटर और द ऑडिट फॉर्म यानी जो नया ऑडिटर बनने वाला है रोटेशन के बाद में शेल नॉट बी एलिजिबल इफ इफ सच ऑडिट ऑडिटर और ऑडिट फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द आउट गोइंग ऑडिटर और ऑडिट फॉर्म अंडर द सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फॉर्म क्या बोल रहे हैं बहुत ही भारी लैंग्वेज है ओके okay, इसके ऊपर देखिए मालिक ओके okay. इनकमिंग ऑडिटर और ऑडिट फॉर्म यानी जो नया ऑडिटर या ऑडिट फॉर्म हम लोग अपॉइंट करने वाले ओके okay पर वो एलिजिबल नहीं हो गए अगर वो ऑडिटर और ऑडिट फॉर्म इज एसोसिएटेड विद आउट गोइंग ऑडिटर अंडर द सेम नेटवर्क ऑडिट फॉर्म सर यह मतलब क्या है एग्जाम्पल अगर आपको मालूम है बिग फोर्स होते हैं बिग फोर्स ओके पीडब्ल्यू सी है ओके पी एम जी है डेलॉइट्स है ंग है, है अब लेटेक एग्जाम्पल जब ये मैं बिक फोर बोल रहा हूं तो इनके अंदर बहुत सारी नेटवर्क फॉर्म होती है प्राइज वॉटर हाउस पर्टिकुलर है उसके अंदर प्राइज वॉटर हाउस ये एक ऑल टूगेदर एक पर्टिकुलर फर्म है प्राइज वाटर हाउस कूपर इज ए ग्रुप कंपनी ग्रुप कंपनी जैसा होता है ग्रुप फर्म होती है ग्रुप फॉर्म एक बहुत ग्रुप है उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप होंगे जैसे एग्जाम्पल हो गया प्राइस वॉटर हाउस ओके लवलॉक लेविस ये एल एल ओके जब मैं बोल रहा हूं मैं पीडब्ल्यूसी में काम कर चुका हूं मालिक मैं टू थाउजेंड टू थाउजेंड सिक्स का मेरा टेन्यू पीडब्ल्यूसी में गया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैं पीडब्ल्यूसी में नहीं पीडब्ल्यूसी के ग्रुप फॉर्म में मैं काम कर रहा था लेकिन आई वॉज रजिस्टर्ड विथ लवलॉक एंड लेविस तो उनके जो फर्म्स है मल्टीपल फर्म्स है अभी ऐसा हो सकता है एक प्राइस वाटर हाउस करके एक उनकी ग्रुप फर्म है और एक लवलॉक लेविस एक ग्रुप फर्म है ओके okay, अभी ऑल टुगेदर एक लवलॉक लेविस को अपन ने ऑडिटर अपॉइंट किया पांच साल के लिए दस साल के लिए क्योंकि फर्म है दस साल के लिए हुआ दस साल जैसे ही खत्म हुआ अब आप क्या कर रहे हो प्राइज वॉटर हाउस को अपॉइंट कर रहे हो ओके okay, ये नहीं होगा मालिक सर क्यों नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं तो अगर नेटवर्क फॉर्म में एसोसिएटेड है तो आउटगोइंग ऑडिटर के साथ में अगर आउटगोइंग ऑडिटर के साथ में नेटवर्क फॉर्म के साथ में भी एसोसिएटेड है तो इनकमिंग ऑडिटर एलिजिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आया मालिक यानी अगर मैं एक, मैं 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 एक इनकमिंग ऑडिटर हूं नया ऑडिटर बनने जा रहा हूं और मेरा जो सीए फर्म है मेरा जो सीए फर्म है जो आउटगोइंग ऑडिटर है यानी जो जिसका खत्म हो चुका है क्योंकि कूलिंग पीरियड का लॉजिक था पांच साल अभी वो कूलिंग पीरियड रहेगा उसका वो जो आउटगोइंग ऑडिटर है वो और मैं एक ही ग्रुप में है काम कर रहे हैं एक ही ग्रुप में काम कर रहे हैं ग्रुप में ओके ग्रुप में काम कर रहे हैं बस इट विल नॉट वर्क ये एलिजिबल नहीं होगा दैट इज वॉट देव एक्सप्लेन मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है मालिक तो ये ये तो मालिकप्ट को क्लियर करना है एक्सप्लेनेशन वन उन्होंने समझाया है कि भाई वो नेटवर्क uh, क्या होती अदर थिंग्स ज्यादा उसमें नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको ओके फॉर द ओकेज ऑफ दीज रूल्स द टर्म सेम नेटवर्क इंक्लूड्स द फर्म ऑपरेटिंग और फंक्शनिंग ओके इन मतलब आइदर देयर टू और इन फ्यूचर अंडर द सेम ब्रांड नेम ट्रेड नेम और कॉमन कंट्रोल जैसे मैंने बताया कि भाई लवलॉक लिवे प्राइज वॉटर हाउसिंग अंडर प्राइस वॉटर हाउस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑडिटर अब ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ओकेज ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर अ ब्रेक इन टू द टर्म फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ फाइव इन शेल बी कंसिडर्ड एज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन ओकेज ये पॉइंट देखिए

अभी वापस आप उसको अपॉइंट करना चाहते हो ओके okay, ये नहीं होगा उसको पांच साल का रोटेशन के लिए पांच साल का जो कूलिंग पीरियड है वो उसको ध्यान में रखना होगा ही विल नॉट बी अपॉइंटेड फॉर फाइव ईयर ओके नहीं तो क्या होगा मालिक कैसा करेंगे अपन कैसे करेंगे अपने को मालूम है पांच एक प्रोपराइटर है वो पांच साल काम करेगा अभी थोड़ा इमेजिन करो ओके अगर वो चार साल काम हो गया अब मेरे को मालूम है अरे यार पांच साल हो गया तो मेरे को पांच साल का कूलिंग पीरियड है तो मैं क्या बोल सकता हूं मेरे क्लाइंट को एक काम कर दे चार साल है अभी मुझे निकाल दे ओके किसी और को अपॉइंट कर ले एक साल के लिए ओके उसको अगले साल निकाल देना और उसके बाद मेरे को ले लेना क्योंकि ऑल टूगेदर मेरा कंसिक्यूटिव फाइव टर्म फाइव ईयर हुआ ही नहीं है तो ये लोग ने एक्सप्लेनेशन में क्लियर दिया है जिस टाइम पे अगर पांच साल से कम तूने ब्रेक ले लिया रोटेशन का पर्पस सॉल्व करने के लिए अब तेरा रोटेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और तेरे को पांच साल का ब्रेक लेना पड़ेगा और उसके बाद ही वापस तू में होगा ओके okay, ये पॉइंट आप दिमाग में रख लेना ये और मेरे ख्याल से ये सिंपल पॉइंट है आप लॉजिकली समझ रहे हो ये पॉइंट को आप प्रैक्टिकली भी समझ रहे हो नहीं तो ऐसा हर जन ऐसे ही करेंगे ना फॉर्म फॉर्म है okay, है ओके वो दस साल का है नौ साल के बाद वो छोड़ देगी और एक साल और कोई करेगा और उसके बाद वापस वो, वो चालू करेगी वो बोले कि मेरा तो दस साल कंसिटी हुआ नहीं ये सेक्शन के हिसाब से तो साल साथ बोला था और उसके बाद पांच साल कुलिंग पीरियड बोला था ऐसे तो सब लोग करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन में रखा है कि अगर आपने पहले ब्रेक ले लिया ओके okay, आपका टर्म खत्म नहीं हो रहा उसके पहले ब्रेक ले लिया ओके okay, वो रोटेशन के फुलफिलमेंट के लिए रिक्वायरमेंट के लिए चलेगा और आपको पांच साल का कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा ओके एंड पर इफ ए पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ ऑडिट फर्म द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी रिटायर्स एंड ज्वाइन फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट सच अदर फॉर्म शेल ऑल्सो इन एलिजिबल टू अपॉइंट फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव इस ये क्या है मेरे को कोई बताएगा अगर आपको समझाओ ये सबको ईजिली समझ में आना चाहिए ये पॉइंट में ज्यादा हेडेक नहीं होना चाहिए मालिक ये क्या है मेरे को बताइए आप इसका मतलब क्या है मालिक इसका मतलब एकदम सिंपल है इसका मतलब अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर ए टी लेते हैं ओके एक्स वाई कंपनी है एक्स वाई लिमिटेड है लिस्टेड कंपनी है ओके मिस्टर एटी इज एन ऑडिटर इसको कंपनी करते दस साल का टेन्यूर डालते हैं अपन ए टी कंपनी ओके एक ये सी ए फॉर्म है जिसमें मिस्टर अमित एक ऑडिटर है ओके okay, जो एक्स वाई कंपनी के इसमें देखिए ये क्या लिखा है इफ ए पार्टनर हुई इन इंचार्ज ऑफ ऑडिट फॉर्म एंड ऑल्सो सर्टिफाइडियल स्टेटमेंट एंड है एंड ऑल्सो सर्टिफाइड अब मिस्टर अमित है जो एटीएन कंपनी में इंचार्ज है और सर्टिफाई कर रहा हूं सर्टिफाई okay, कर रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ऑडिट मेरी फॉर्म कर रही है एक्सवाई जेड लिमिटेड की ऑडिट कौन कर रही है एक्सवाइड लिमिटेडिट कर रही है एटीएन कंपनी सी एफ एम सी एफ एम जिसमें साइन कौन करेगा साइन करेगा मिस्टर अमित साइन कौन करेगा मिस्टर अमित प्लीज डू अंडरस्टैंड एकदम ये अच्छे से पॉइंट को समझो हाँ मत करना साइन कौन कर रहा है मिस्टर अमित ओके okay, अब एज्यूम करते हैं, okay, ओके दस साल पूरे हो गए मिस्टर अमित के टेन ईयर्स कंप्लीटेड

अब ये क्या बोलते हैं कि अब अगर मिस्टर अमित छोड़ के जाता है और मिस्टर अमित एग्जाम्पल बोल रहा हूं एस टी एंड कंपनी करके कुछ है सी फॉर्म है एस टी कंपनी सी फॉर्म है और मिस्टर अमित ओके एस टी एंड सी एस टी कंपनी सीए नव एस टी कंपनी इज नॉट एलिजिबल नॉट एलिजिबल ओके टू डू द ऑडिट ऑफ एक्स वाइजन लिमिटेड मालिक ये समझ में आया दिस इज वॉट दे आर सेइंग दिस इज दिस इज नॉट एलिजिबल ये कॉन्सेप्ट ये हैं

ओके okay, यानी सुमित तातेड़ अगर मेरा भाई की बात करें मैं सुमित तातेड़ इज ए पार्टनर इन एटीएन कंपनी जो ऑडिट कर रहा था भले तातेड मैनेजिंग पार्टनर नहीं था भले सुमित तातेड़ साइन नहीं कर रहा था लेकिन सुमित तातेड़ अभी भी एटीएन कंपनी में है और सुमित तातेड ओके okay, एसटीएन कंपनी में भी पार्टनर है अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो वहां पर एस कंपनी इन एलिजिबल होगी ओके okay, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने स्क्रीन पे जो लिखा है ये कब काम आएगा मालिक व्हेन एसटीएन कंपनी एंड ज्वाइनिंग एस टी एन कंपनी इन दैट केस एसटीएन कंपनी कैन बी एलिजिबल ओके ये रिक्वायरमेंट के लिए ये पॉइंट के लिए ओके okay, ये एग्जांपल के लिए तो आपको ये ध्यान में रखना था मेरे ख्याल से यह सबको समझ में आया मालिक एवरीबडी ओके okay, so ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना ओके okay. वापस बोल रहा हूं कॉमन पार्टनर्स अगर है फर्म में तो वैसे फर्म इन एलिजिबल ही है कॉमन पार्टनर अगर फर्म में है तो फर्म इन एलिजिबल ही है वापस बोल रहा हूं कॉमन पार्टनर है फर्म में तो firm, वापस बोल रहा हूं कॉमन पार्टनर है अगर फर्म में तो फर्म वैसे ही इन एलिजिबल है मालिक समझने को शुरू दिमाग में डालो अगर कॉमन पार्टनर दो फर्म में है तो है, वैसे ही इनकमिंग वाला फर्म में वो फर्म वैसे ही इन एलिजिबल है उनको तो एलिजिबिलिटी है ही नहीं ये डिस्कशन क्या हो रहा है ऐसा हो सकता है ना वो फर्म का छोड़ के कॉमन पार्टनर नहीं है ओके okay, पहले उसमें था और अभी मैं इसमें हूँ दस साल तक मैं उसमें था और दस साल के बाद छोड़ के मैं इसमें आया हूं यहां पर आपको क्या रिक्वायरमेंट है क्या कंस्टेंट है ये मैंने आपको समझा दिया है तो इसमें सिर्फ मिस्टर अमित अगर एटीएन कंपनी छोड़ता है और एसटीएन कंपनी ज्वाइन करता है इस केस में इस केस इस में इस केस में ये इन एलिजिबल होगा एसटीएन कंपनी लेकिन अगर मिस्टर अमित छोड़ता नहीं है और मिस्टर सुमित है जो कि एटीएन कंपनी को मैनेज नहीं करता था और ना उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार भी साइन की है उसने साइन ही नहीं किया है और वो छोड़ता है फॉर्म एटीएन कंपनी एंड ज्वाइन एसटीएन कंपनी उस केस में यहां पर मिस्टर सुमित विल बी एलिजिबल

थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू थ्री एंड बी थ्री एंड एंड बी ये दे दो तो काम खत्म हो जाता है तो फिर अपने को समझ में आता वो पॉइंट किसके लिए है तो यहां पर अगर अमित ज्वाइन करता है यहां पर लिख के रखना आप और ये थोड़ा लिख के रखना तो क्या थोड़ा सा आइडिया आ रहेगा मालिक मैं लिख के रखता हूं अमित इज मैनेजिंग ए टी एन कंपनी एंड साइनिंग एक्सवाइजर लिमिटेड इफ अमित जॉइंस एस टी एन कंपनी And leaves ATN Company after ten years. STN year. Company is in ineligible if Mr. Smith joins. STN कंपनी लीज एटी एंड कंपनी STN कंपनी इज एलिजिबल। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा मालिक कि मैंने सब लिख दिया आप इसको नोट करके रख लीजिए ओके okay, तो क्या होगा ये काम हो जाएगा ये एक पॉइंट समझाना है और एक ट्रांजिशन पीरियड का समझा रहा हूँ अभी इसके बाद ओके okay, जहां पर ये रोटेशन का काम खत्म कर देंगे ट्रांजिशन पीरियड को समझाते ओके okay, अगर कॉपी हो गया तो गुड इनफ नहीं हुआ तो एक बार पॉज कर देना फिर मैं ये कर देता हूँ और मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट होगा बिकॉज यही एक कॉन्सेप्ट था जो मेनली मेरे को समझाना था uh. okay, मालिक uh. अब इसी के रोटेशन ऑफ ऑडिटर में एक दो शीट दी हुई है दो शीट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ओके okay, जहां पर ट्रांजिशन पीरियड ट्रांजिशन पीरियड मतलब अगर आप ऑडिटर अपॉइंट किए गए थे 2013 के पहले जब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं थे आपको यानी आप वो लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो दस करोड़ okay, जो प्राइवेट कंपनी पचास करोड़ या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी दस करोड़ के नीचे है प्राइवेट कंपनी पचास के नीचे है लेकिन उनकी बोरोइंग्स पचास करोड़ के ऊपर है इस केस में इस केस में इस केस में अगर आपके पहले वाले ऑडिटर अपॉइंट किए थे और उनका ट्रांजिशन पीरियड कैसा है वो डिस्कस किया हुआ है तो आप ये समझ लीजिए एक बार इसको तो अंडरस्टैंड कर लीजिए ओके मैं आई डोंट नो ये डों एग्जाम इलेस्ट्रेशन दिए हुए हैं ओके तो ये देखिए ये दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है कि ये एक्ट आने के पहले ओके ये एक्ट आने के पहले पहला कॉलम जो है वो आपका एक्ट आने के पहले ओके कितने साल कितने साल का पॉइंट है ओके okay, कितने साल का पॉइंट आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है ये एक्ट आया हुआ उसके पहले आपके पास ऑडिटर अपॉइंटेड था वो कितने साल से काम कर रहा था और दूसरा पॉइंट उसके बाद मैक्सिमम नंबर कितने बचे हुए हैं आगे और लास्ट टोटल उसने कितना काम किया है तो लेट्स टेक एग्जाम्पल प्रोपराइटर को कितना टर्म मिल रहा है मेरे को पता है मालिक प्रोपराइटर को पांच साल का टर्म मिल रहा है ये सब लोग एग्री करते हैं Assume करते हैं अपना जो प्रोपराइटर है okay, अपने पास पास जो था वो वो साल 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 से से ज़्यादा ज़्यादा मेरे काम काम किया हुआ है। together, साल या साल से उसने काम किया हुआ हुआ है, है, यानी यानी या उसने पिछले दस साल से मेरे पास था, assume करते ऑडिटर है ट्रांजिशन पीरियड उसको इमीडिएटली निकालेंगे नहीं सरप्राइज गया तू ऐसा नहीं होगा माई मालिक ओके सो ट्रांजिशन पीरियड में कितने ओके okay, तो इसको बताया जाएगा कि नेक्स्ट तीन साल है तो तीन साल कंटिन्यू कर तीन साल कंटिन्यू कर ओके okay, और उसके बाद तू तू तीन साल तक तो तू रोटेट हो तीन साल के बाद तेरा पांच साल का कुलिंग पीरियड आएगा फिर पांच साल के बाद अपॉइंट करेंगे पॉइंट ओकेज वॉज मिस्टर अमित लेट टेकाम से पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है प्रोपोराइटर है प्रोपोराइटर पांच साल का टर्म मेरे को एप्लीकेबल है पांच दस साल से मैं काम कर रहा हूं एक्सवाईड लिमिटेड में अब पॉइंट ये दस साल हो गया कंपनी एक्ट टू तो, थाउजेंड थर्टीन आया उसने बोला अमित सिर्फ पांच साल ही काम करेगा अब मैं बोलूंगा दस साल तो हो चुके मेरे तो निकलूंगा मैं नहीं बोला तीन साल तू रहे तीन साल के बाद ये लोग नए ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और तू पांच साल के कुलिंग पीरियड में जाना यानी मेरे को तीन साल मिला तो टो, टोटल ये मेरे कितने होंगे आठ साल या आठ साल से ज्यादा डिपेंडिंग ऑन कितना अभी एग्जांपल मैं पिछले दस साल से था तो मेरे को कितने साल टोटल मिल रहे हैं ऑडिट करने के लिए तेरह साल अगर 10 साल से मैं पिछले तुम्हारा ऑडिटर था 10 साल से और अभी तीन साल मेरे तो को और मिलेंगे क्योंकि एक्ट ने बोला ट्रांजिशन पीरियड हम तीन साल का देंगे तीन साल तू और कंटिन्यू कर ओके तीन साल से ज्यादा नहीं देंगे हम लोग ठीक है अगर मैं पिछले चार साल से ऑडिटर हूं चार साल से ऑडिटर हूं मैं पिछले चार साल से तो सर अभी आप बोलोगे पांच साल है तो एक साल और कवर कर लो खत्म कर लो नहीं ये लोग बोलते हैं तीन साल ट्रांजिशन ट्रांजिशन पीरियड है क्योंकि

Actually, मैं बता रहा हूं मतलब ये अभी मेरे को बताओ ऑल टुगेदर पांच साल वाला पॉइंट चौथा okay, 14, 14, 15, 15, साल okay, रहा तो रह तो, 16, 16, मतलब जो भी 16 17 का एरिया खत्म हो गया तो ये ये कांसेप्ट ही खत्म हो गया मालिक ये के, मतलब इसका कुछ काम ही नहीं अभी हां यही चीज अगर मैं पार्टनरशिप फर्म को करूं तो शायद क्योंकि वो 10 साल का टर्म है तो वो शायद एप्लीकेबल रहे वो पीरियड के लिए पॉइंट रहे लेकिन मेरे ख्याल से ये समझ में आया ट्रांजेशन का क्या लॉजिक था और अगर ये आया तो ये सेम आपको किस में लगाना है पार्टनरशिप में लगाना है पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप फॉर्म जो दस साल ऑडिट फॉर्म है जिसमें पार्टनर्स है मल्टीपल तो वो टू टर्म के लिए काम करेगी तो इसके लिए तुम एज्यूम करते अभी एटीएन कंपनी में अमित तातरी से पार्टनर एंड देर और दूसरे पार्टनर

कि अगर आपने टू और मोर इंडिविजुअल को ओके एज ए जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किया रहेगा तो कंपनी में फॉलो रोटेशन ऑफ ऑडिटर इन सच मैनर दैट बोथ और ऑल जॉइंट ऑडिटर एज द केस में बी डू नॉट कंप्लीट द टर्म इन द सेम ईयर ये पॉइंट को मैं पेंडिंग रखता हूं जब जॉइंट ऑडिटर एक दस मिनट के बाद मैं जॉइंट ऑडिटर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उस टाइम पे मैं इसको डिस्कस करता हूं मालिक ओके बट नेवर द मेरे ख्याल से ये टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई रोटेशन ऑफ ऑडिटर अभी तुम्हारे दिमाग में क्लियर आया इसमें से मेन सिर्फ यही था मालिक जो मेरे को जिसमें हार्ड को टाइम डालना था कि ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए

है, removal खत्म क्या नया बता रहे हो आप ओकेज एक पांच मिनट का काम है यह बहुत छोटा सा पोर्शन है तो नया एस सच देख लेते हैं, एक बार एक थोड़ी सी चीज ज्ञान वाली भी चीज है उसमें समझा रहा हूं हाँ ठीक है देखिए मालिक ओके सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट कितने सीलिंग है ट्वेंटी ठीक है जब तुम ट्वेंटी नंबर ऑफ ऑडिट कैलकुलेट करोगे तो उसमें चीजें इंक्लूड नहीं करनी है कौन सी कौन सी इंक्लूड नहीं करनी है वो भी बताई गई है ओके वो मैंने पहले भी बताया वापस में बताऊंगा ओके लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट दो तीन चीजें आप दिमाग में डाल देना सबसे पहले ये जो सीलिंग ट्वेंटी नंबर ऑफ ऑडिट है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन यानी ये प्रोपराइटर रहा तो ट्वेंटी ऑडिट होगी अगर फर्म है तो हर पार्टनर के हिसाब से ट्वेंटी ऑडिट होगा ओके okay, ये आपको दिमाग में रखना होगा ओके okay, पहले एक बार इसको रीड मार लेते हैं इट हैज बीन मेंशन अर्लियर दैट बिफोर अपॉइंटमेंट इज गिवन टू द ऑडिटर द कंपनी मस्ट ऑप्टेन सर्टिफिकेट ओके ये तो क्लियर है की सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम दैट अपॉइंटमेंट इफ मेड रिजल्ट इन एक्सेस होल्डिंग ऑफ कंपनी ऑडिट बाय द ऑडिटर कंसर्न ओवर द लिमिट लीड डाउन इन वन फोर्टी जो मैंने आपको बताया हुआ है Which prescribe that person who is in full time employment elsewhere, or a person or a partner from holding appointment as an auditor, if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as an auditor of more than twenty companies, other than other than OPC, nikalo dormant, nikalo small company, nikalo private company paid up share capital less than hundred crore, nikalo shall not be eligible for appointment. यानी अगर तेरे पास 20 कंपनी से ज्यादा ऑलरेडी ऑडिट है 20 कंपनी से 20 कंपनी ऑडिट्स है तो 20 कंपनी के ऊपर तू एक भी ऑडिट ले नहीं पाएगा लेकिन जब ये 20 का कैलकुलेशन किया जाएगा तो 1 परसेंट कंपनी अपने को निकालनी है डोरमेंट कंपनी निकालनी है ओके स्मॉल कंपनीज निकालनी है और प्राइवेट कंपनी जिनके पेड ऑफ शेयर कैपिटल लेस देन हंड्रेड करोड़ है वो निकालनी है ये चार तरह की कंपनी निकाल देनी है यानी इन शॉर्ट मैं ऐसा बोलू वन परसेंट कंपनी मेरे पास ऑडिट हो या बीस ऑडिट हो या पच्चीस ऑडिट हो कोई नहीं पड़ता। okay, sir, 100 के लिमिट के के नहीं है आपके हिसाब से गाइडेंस नोट है अपने के, जो में जाने के पड़ेगा। लेकिन भाई इन एलिजिबिलिटी के हिसाब से पॉइंट में रखिए मालिक देर इज नो लिमिट फ्रॉम इन एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप इन एलिजिबल हो जाओगे ऐसा नहीं होगा ओके okay, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए आपको यह समझना है कि भाई ट्वेंटी कैलकुलेट करते वक्त मेरे को क्या ध्यान में रखना है आई विल बी ऑल कंपनी अदर देन दिस फोर यानी ओपीसी उड़ा उड़ा दो उड़ा दो डोरमेंट स्मॉल कंपनी उड़ा दो और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेस देन हंड्रेड करोड़ उड़ा दो इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कवर करता हूं ओकेज अमित अमित इज सी ऑडिट फॉर्म में काम करता है अभी अमित के पास ओके पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है अनलिस्टेड मतलब ओके okay, मेरे ख्याल से सबको पता होगा लॉ में आपने पढ़ा होगा जो एन बीएससी पे लिस्टेड नहीं है यानी जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है फ्रीली मतलब कहीं पर भी ट्रेड होती है ऐसा नहीं होगा ओके okay, तो अनलिस्टेड कंपनी है ओके okay, अमित के पास ये आ, दस ऑडिट है लिस्टेड कंपनी के ऑडिट अमित के पास ओके okay, है प्राइवेट कंपनी के ऑडिट ओके okay, जिसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट है एक है पेड ऑफ शेयर कैपिटल ग्रेटर देन हंड्रेड ओके और एक है पेड ऑफ शेयर कैपिटल लेस देन हंड्रेड ओके अभी ये पेड ऑफ शेयर कैपिटल ग्रेटर देन हंड्रेड दो है और लेस देन हंड्रेड के पांच है और डोरमेंट कंपनी का ऑडिट अमित के पास है डोरमेंट कंपनी क्या होती है सीएफएल में जाकर मालूम पड़ेगा और अगर अभी आपने लॉ में पढ़ा हुआ है तो गुड इनफ लेकिन ऐसी कंपनी जो फुल्ली एक्टिव नहीं है फुल फ्लेज काम में नहीं है उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क चल रहा है उनका टाइम पीरियड चल रहा है ओके तो वो वो काइंड ऑफ डॉर्मेंट कंपनी होती है ओके वो एक पांच ऑडिट है तो टोटल ऑडिट अमित के पास कितने हैं तो टोटल और नंबर ऑफ ऑडिट अमित इज हैविंग

ठीक है मालिक ये समझने को शुरुआत ये है ट्वेंटी ऑडिट का लॉजिक इसको और मैं एग्जांपल को चेंज करता हूं ओके okay, मैं करता हूं पेड अप सारे के सारी ऑडिट आपके पास ये है तो ये दो निकाल दो ओके okay, और अपन टोटल निकालते हैं अब मेरे को बताओ कितनी ऑडिट हमारे पास है पांच प्लस पांच दस है आठ है पांच है पांच है तो मेरे पास टोटल ऑडिट कितनी होगी ट्वेंटी एट लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पज मैं कितने लूंगा ओके फॉर कैलकुलेशन पर्पज आई विल कंसिल एटीन अब अमित को देखो चार तरह के ऑडिट मिल रहे हैं आप बताइए क्या ये चार तरह के ऑडिट अमित एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है एक ऑडिट होगा एबीसी लिमिटेड विच इज ए पब्लिक कंपनी ये तो नाम से समझ में आना चाहिए ओके एबीसी लिमिटेड। एक होगा एक्स वाई लिमिटेड वापस पब्लिक कंपनी और एक होगा ए प्राइवेट लिमिटेड जिसका शेयर कैपिटल इज लेस देन हंड्रेड करोड़ या वो लोग ऐसा बताएंगे जिनका शेयर कैपिटल इज ट्वेंटी टू करोड़ ऐसा कुछ बता देंगे तो इस तरह से अब मेरे को बताइए क्या अमित ये ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकता है सो दैट टू एंश्योर ही इज इज नॉट हीस लॉजिक सिंपल है ओके okay, अब मेरे को बताओ वो कितने मैक्सिमम ऑडिट ले सकता है बीस ओके okay, कितने ऑलरेडी उसके पास है अठारह वो मैक्सिमम कितने ले सकता है एक काम करता हूं मैं इसमें ये थोड़ा स्क्रीन दिखेगा नहीं आपको ओके okay, मेरे ख्याल से सब लोग इधर बरबर है ओके okay, अब मेरे को बताओ वो कितने ले सकता है ऑल टुगेदर बीस बीस ले सकता है और अठारह अच्छा उसके पास ऑलरेडी है बीस ले सकता है अठारह अच्छा है यानी इसके पास बैलेंस दो अब एबीसी लिमिटेड ओके एक्स वाई जेड लिमिटेड और एक्स लिमिटेड ओके प्राइवेट लिमिटेड इस कैलकुलेशन में नहीं आते तो एटी प्राइवेट लिमिटेड ही कैन एक्सेप्ट एक्सेप्टी कैन एक्सेप्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन नहीं माँ कसम बिना के तो काम ही नहीं करना माँ कसम बेहड़ा मार के बैठा हुआ लगता है मेरा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ओके okay. बिना कंसीडरेशन के काम करेगा तो मां कसम मर जाएगा भाई कई के लिए काम कर रहा है आज जिंदगी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थोड़े ना अपन लोग ओके okay. अब ये तीन में से ही कैन एक्सेप्ट ओनली टू टू रिक्वायर्स हीट वन बट ही कैनॉट एक्सेप्ट ऑल थ्री अदरवाइज ही विल थर्ड में डिस्कालीफिशन हो जाएगा डिस्कॉलेशन हुआ मतलब नॉन कंप्लाइंस होगा नॉन कंप्लाइंस सेक्शन वन फोर्टी सेवन जो अपना बाकी है उसके अंदर तुमको पेनल्टी आएगी क्योंकि तुमने नॉन कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन किया आप खाली बीस ऑडिट ले सकते हो उसके पर नहीं ले सकते मालिक ओके okay, और इवन कोड ऑफ इथिक्स यानी अपना इंस्टीट्यूट भी अपनी बैंड बजाय लॉजिक याद रखना क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर तुम्हें समझा दिया कि बीस लेना मतलब मालिक ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो मालिके क्लियर यहां तक लॉजिक बैठा तुम लोग का मेरे ख्याल से इसको फ्रीज कर देवे दैट्स इट ओके ये ये हो गया ये, ये तुम्हें समझाया गया है ओके रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट सर और इसमें और क्या है इसमें यह है कि अगर आप फर्म ऑफ ऑडिटर है तो आपको समझना होगा बीस इज नॉट एप्लीकेबल टू फर्म बीस इज एप्लीकेबल टू पर पार्टनर अगर आपके फर्म में तीन पार्टनर है तो तुम टोटल ऑडिट कितने ले सकते हो सिक्सटी ऑडिट्स कैन बी टेकन पॉइंट आपको नेक्स्ट दो पैराग्राफ में पैराग्राफाया देख लीजिए इन केस ऑफ ए फॉर्म ऑफ ऑडिटर इट हैज बीन फर्दर प्रोवाइडेड दैट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनी शैल बी कंसीडर्ड फॉर फॉर नंबर ऑफ कंपनीज एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म व्हिच इज नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर ठीक है यह तो कोई, ये आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का अभी लॉजिक कहीं पर है नहीं सीएफएन में आने के बाद मालूम पड़ेगा लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि हां भाई वो किधर और दूसरी जगह काम नहीं कर रहा है उसको पर पार्टनर के हिसाब से पर पार्टनर आ, पार्टनर के हिसाब से 20 कंपनी के ऑडिट मिलेंगे तो लिमिट ऑफ ट्वेंटी कंपनी ऑडिट इज पर पर्सन ना ये पॉइंट आपने नोट रखना है तो परफॉर्म नहीं है

इसका मतलब अब ये जो केस किया मतलब मिस्टर ए पार्टनर इन एटीएन कंपनी पार्टनर इन एसटीएन कंपनी पार्टनर इन पीडब्ल्यूसी पार्टनर इन ओके ई एंड वाई मां कसम क्या बड़ा है मिस्टर ए मतलब मिस्टर ए मतलब मिस्टर अमित ध्यान रखो ओके okay, एंड और एक लेते हैं के पी एम जी माँ कसम आप देखो मतलब कितने इसमें पार्टनर है अब ये अगर पांच कम पांच फर्म में पार्टनर है तो क्या ये हर फर्म के हिसाब से ट्वेंटी ट्वेंटी ले पाएगा आंसर इज नो इसको ये इंश्योर करना है कि फर्म के सारे फर्म के हिसाब से इसको टोटल ट्वेंटी ऑडिट्स मिले अब ट्वेंटी को ये फर्म में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये उसका चॉइस है यानी ऐसा हो सकता है वो दस एटीएन कंपनी से लेवे एसटीएन कंपनी से पीडब्ल्यूसी से ले केपीएम से, से, e से, से, से एक भी नहीं कंपनी से पांच लेवे और पीडब्ल्यू से वो डिवीजन कैसा हो रहा है वो form, all, ये एक लॉजिक तुम दिमाग में रख लेना तुम्हारा अकेले का ट्वेंटी होना चाहिए मालिक एवरी क्लियर यानी जो ऊपर इन लोग ने सिक्सटी ऑडिट बताया ये देखो 60 ऑडिट मैंने बताया था ना थ्री इंटू ट्वेंटी सिक्सटी लेकिन अगर इसमें से एक पार्टनर ऐसा है जो किसी और कंप और एक फर्म में काम करता है वहां पर उसने दस ऑडिट ले लिए है इसमें से एक पार्टनर ऐसा है बाकी कोई दो टोटल तीन पार्टनर है तीन पार्टनर में से दो पार्टनर इसी फॉर्म में है बाकी कोई और जगह नहीं है और एक पार्टनर ऐसा है जो इधर भी पार्टनर है और कोई दूसरे फॉर्म में भी पार्टनर है और दूसरे फॉर्म में उसके नाम से दस ऑडिट ले चुके हैं तो मेरे को बताओ इस फॉर्म में टोटल ऑडिट कितने लिए जा सकते हैं टोटल ऑडिट फिफ्टी लिए जाएंगे समझ में आ रहा है मालिक फिफ्टी कैसे होगा दो पार्टनर के ट्वेंटी और एक पार्टनर का टेन इस तरह से ये फिफ्टी ऑडिट लिया जाएगा दैट्स हाउ द दैटेप्ट वर्क भारत माता की जय मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है ज तो कॉन्सेप्ट ये पॉइंट ध्यान रखना ओकेज okay, और ये है और ये वा, आगे वाली पंचायती तो एकदम क्लियर है ठीक है इसमें ज्यादा डिस्कशन है नहीं पर मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है और एक है जैसे ये ऑडिट होते हैं अगर टैक्स ऑडिट की बात करें ये तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ऑडिट्री ऑडिट स्ट्रैट्री ऑडिट और टैक्स ऑडिट है आप कौन सी कंपनी है ओपीसी है ये इंडिविजुअल है प्रोपराइटर है आपका जो पॉइंट है उससे मेरे को कोई इश्यू नहीं है ओकेज okay, आईसीआई बोलता है तुम मैक्सिमम सिक्सटी नंबर ले सकते हो

टैक्स ऑडिट है तो सिक्सटी नंबर है सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा 60 ही आपको टैक्स ऑडिट में अंडरस्टैंड okay, पॉइंट एक, मतलब एक, uh, है मतलब बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए मालिक ओके okay, ऐसा है कि uh, मतलब अपन uh, जो स्टार्टरी uh, ऑडिट बोल रहे ट्वेंटी नंबर ले सकते हैं मेरे को बताओ अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म है सिंपल रखते हैं एक पार्टनरशिप है जिसमें तीन पार्टनर है तो मेरे को बताओ स्टार्टर ऑडिट वो फॉर्म कितने ले सकती है सेम लॉजिक पर पार्टनर पर पर्सन सिक्सटी नंबर है तो टैक्स ऑडिट कितने लेगी ओके okay, आप समझे मालिक वन एटी लॉजिक समझाइए लॉजिक एकदम सिंपल लॉजिकल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बायसटी दैट्स इट अब सीन ऐसा है ये जस्ट आपको नोट रख रहा हूं मतलब आप समझ लीजिए मतलब इट्स वर्थ इंटरेस्टिंग ओके okay. सीन ऐसा है कि मालिक अगर सपोज मैं ऐसे लू मिस्टर अमित मिस्टर सुमित एंड मिस्टर विजय तीन पार्टनर है एक फर्म में अमित सुमित एंड विजय मैं मेरा भाई और पापा ओके okay. हम पूरे फर्म में कितने स्टार्टर ऑडिट ले सकते हैं सिक्सटी ये तो समझ में आया थ्री मल्टीप्लाई यू नीड टू एंश्योर दैट ईच पार्टनर विल साइन 20 नॉट मोर देन 20 मतलब क्या है मैं अगर साइन करूंगा मेरे नाम पे तुमने ऑडिट ले लिया लेकिन साइन जब आएगी साइन तो नाम और मेंबरशिप नंबर से होगा मैं सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 20 साइन कर सकता हूं सुमित 20 साइन करेगा और विजय ओके मतलब बापू है मेरे विजय विजय दाते वो 20 साइन करेंगे मालिक एवरी पार्टनर विल ट्वेंट साइन मैक्सिम रिपोर्ट ट्वेंटी उसके ऊपर नहीं चलेगी आपको समझना नहीं होगा uh, okay, बापू एकदम घर पर बैठा बोला बीस ऑडिट नहीं चलेगा बट दिस इज नॉट द केस ऑफ टैक्स ऑडिट टैक्स ऑडिट इज वॉट यू कैन टेक ए नंबर ऑडिट और टोटल कितने ले सकते रिपोर्ट आई कैन साइन 180 के 180 एटी रिपोर्ट्स इंडिविजुअल पार्टनर कैन साइन टैक्स ऑडिट में यही पॉइंट है

ओके टैक्स ऑडिट कितने लेने हैं आपके सिलेबस में टैक्स ऑडिट है हाँ टैक्स ऑडिट 60 नंबर्स है सिक्सटी लेने हाँ कंपनी ऑडिट में टैक्स ऑडिट का लॉजिक मत रखो ओके जिसके अंदर 20 का ही लिमिट रहेगा जो अगर अपन बोले ना उसमें ट्वेंटी का ही लिमिट है 60 तो आपको एक एडिशनल कवर किया हुआ है सिलेबस में हाँ भाई टैक्स ऑडिट भी समझाया तो सिक्सटी ले सकते मैक्सिमम तो ये सिक्सटी किसने बताया कंपनी एक्ट ने बताया नहीं कंपनी एक्ट ने नहीं बताया ये अपने इंस्टीट्यूट ने नॉर्म्स रखे हो ये अपने इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है ओके जो प्रोफेशनल इथिक्स अपन बोलते हैं याद होगा तो मैंने आपको बताया कोड ऑफ कोथिक्स वाले कॉन्सेप्ट कोड ऑफ इथिक्स अपने पढ़ा था टू

ओके सो नाउ वी आर शिफ्टिंग अवर सेल्फ टू अ अट ऑडिट ओके अभी अपने पास तीन पोर्शन मेजरली करना है ज्वाइंट ऑडिट करना है कॉस्ट ऑडिट करना है और नॉन करना है ओके okay, एक ब्रांच ऑडिट का ऐसे बचा हुआ है तो मैं ये सोच रहा हूं सबसे पहले ना ब्रांच ऑडिट खत्म करता हूं हूँ रटना नहीं है ये खाली समझना है आपको और मेन अपना ये लेक्चर आंसर याद रखने वाला पोर्शन चालू होगा वो ज्वाइंट ऑडिट से चालू होगा तो सबसे पहले मैं ब्रांच ऑडिट का खत्म कर देता हूं पैरा नंबर थर्टीन में क्या बोले और क्या समझाना है आपको ओके okay. अब पैरा नंबर थर्टीन पे पहले आ जाते हैं उसके बाद अपन आगे जाते हैं मालिक आ, अगर आप देखोगे पैरा नंबर थर्टीन पैरा नंबर थर्टीन का ये पोर्शन है ना पेज अगर ये पेज देखोगे आप ओके पैरा नंबर थर्टीन जो चालू होता है ये सेक्शन वन ट्वेंटी एट समझा है जो मैं आपको समझा चुका हूं ओके जो आपके पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर हुआ वन ट्वेंटी एट एंड वन ट्वेंटी नाइन कैसे रखेंगे किधर रखना चाहिए अप्रूवल बेसिस पे होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट ये सारा का सारा आपको ऑल टुगेदर समझ चुके हैं ये पहले तीन पॉइंट है तो ये तीन पॉइंट नहीं भी पड़े तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है मालिक

सीए एन में तीनों एप्लीकेबल है यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने को 6, जो अपने छे सौ okay, का ब्रीफ कॉन्सेप्ट कवर है तो पहले मैं आपको समझा दू इज फॉर एक्सपर्ट ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या है छे सौ छ सो दस छो बीस यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट using the work of other auditor, using the work of internal auditor and using the work of expert. Let understand this example. Okay, ye example ko acche se समझते hain हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का statutory auditor Mr. A है, Mr. A है, statutory auditor Mr. A है, actual auditor, actual auditor. और actual ने क्या किया? एक मुंबई की branch है। मुंबई की ब्रांच है अब ब्रांच ऑडिटर आपको अपॉइंट करने के लिए मालूम होगा ब्रांच ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ब्रांच ओनली तो जो मुंबई की ब्रांच है ओके okay, की जो मुंबई की ब्रांच है मुंबई की ब्रांच है इसमें इन्होंने मिस्टर एस को अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर मुंबई की ब्रांच ओके okay, तो हम लोग इसमें नाम क्या देते हैं इसको मिस्टर ए को हम नाम देंगे प्रिंसिपल ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर और ये मिस्टर एस को हम देंगे ओके ब्रांच ऑडिटर अपन बोलते हैं अपने टर्म में लेकिन अपन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको हम बोलते हैं अदर ऑडिटर अदर ऑडिटर अदर ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर इज नथिंग बट एन अदर ऑडिटर सब्सिडरी ऑडिटर इज नथिंग बट एन ऑडिटर अदर ऑडिटर अब प्लीज डू अंडरस्टैंड अब मेरे को बताओ जब मिस्टर ए एचयूएल के पीएनएल बैलेंस शीट को फाइनलाइज करेगा क्या वो पीएनएल बैलेंस शीट में ब्रांच का भी डिटेल होगा आंसर इज यस अनडाउटफुली आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो ओके एग्जांपल बोल रहा हूं अगर एचयूएल की ऑडिट में एकदम एग्जांपल है पांच तो एग्जांपल है ओके okay, एचयूएल की ऑडिट 100 करोड़ की बैलेंस शीट है उसमें से 20 करोड़ का जो आइटम्स है वो ब्रांच के आइटम्स है अब मेरे को बताओ ब्रांच के आइटम के ऑडिट किसने किये? वो 20 करोड़ के आइटम किसने ऑडिट किए हुए है वो ऑडिट किए मिस्टर एस ने वो मिस्टर एस ने ऑडिट किए महीने थोड़ा ऑडिट किया लेकिन जब मैं रिपोर्ट दूंगा तो मैं तो एक्चुअल की रिपोर्ट दूंगा क्योंकि मिस्टर एस जो ब्रांच ऑडिटर है वो ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट देगा वो ब्रांच को देगा और ब्रांच का ऑडिटर ऑलरेडी है तो मैं वापस जाके ब्रांच में ऑडिट नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड सिक्स हंड्रेड बोलता है ओके okay, मैं मिस्टर ए आई विल बी यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर और जब आप एसकेस में यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर करोगे तब आपको स्टैंडर्ड सिक्स हंड्रेड फॉलो करना चाहिए आर यू गेटिंग द पॉइंट ओके मैं क्या बोल रहा हूं टोटल एचुएल की बैलेंस शीट 100 करोड़ की है जिसमें से 80 करोड़ ओके okay, एचओ में है एचओ एचओ में है और 20 करोड़ ब्रांच में है मालिक ब्रांच में है ओके okay, 80 करोड़ एचओ में है और 20 करोड़ ब्रांच में है मालिक अब मेरे को बताओ ब्रांच का ऑडिट किसने किया है मिस्टर एस ने किया है मिस्टर एन थोड़ा किया है तो अभी आप बोलोगे सर क्या मैं ब्रांच में जाके ऑडिट नहीं कर सकता कर सकता हो लेकिन काई के लिए वापस वर्क करने का इसीलिए तो स्टैंडर्ड हंड्रेड बोलता है सिक्स हंड्रेड बोलता है ऑलरेडी उधर ऑडिटर है जिसने ऑलरेडी पूरा ब्रांच का ऑडिट किया है जिसने सबसे ज्यादा किया है क्योंकि तू तो तू तो कितना भी रहा तो ब्रांच में थोड़ा फिल्टर करेगा उसने तो उसके लिए तो ब्रांच बहुत बड़ा है तेरे लिए ब्रांच तो ट्वेंटी परसेंट है उसके लिए तो ब्रांच एज सच होल उसके लिए ब्रांच मतलब जो ट्वेंटी परसेंट तेरा है वो उसके लिए तो हंड्रेड परसेंट है तो उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा चीजें कवर होगी तेरे हिसाब से तो बहुत कम चीजें कवर करेगा तो लेट अंडरस्टैंड यू एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर शुड यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर वाइल यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर यू शुड फॉलो सडन प्रोसीजर एंड दैट इज सिक्स हंड्रेडिंग द पॉइंटिंग वर्क ऑफ अदर ऑडिटर दिस इज नॉट ए केस ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर जॉइंट ऑडिटर ये नहीं होता है मालिक ज्वाइंट ऑडिटर ये नहीं होता है तो एक दस मिनट के बाद मैं बताऊंगा ज्वाइंट ऑडिटर क्या है ज्वाइंट ऑडिटर ये नहीं होता है ज्वाइंट ऑडिटर ये नहीं होता है ज्वाइंट ऑडिटर ये नहीं होता है ज्वाइंट ऑडिटर मतलब दो ऑडिटर एक साथ में अपॉइंट किए हैं Actual है, ओके? Okay. ये ये ब्रांच ऑडिटर हुआ और ऑर्गेनाइजेशन वर्क यूज करेगा तो प्रिंसिपल ऑडिटर कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेगा हम लोग जो stand, अगर मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं तो मैं कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा एस आर यू गेटिंग द पॉइंट्रेड को यूज करूंगा मालिक मैं और जब मैं ऐसे 600 को यूज करूंगा आराम से जाइए बिकॉज़ मैं आपको वापस बता रहा हूं ना ये है, जो बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है उसके बाद तो सिर्फ मतलब मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ मैं उसको रीड करने वाला प्रोसेस है यार मालिक समझाने वाला कुछ है नहीं वो बहुत सारी चीजें समझा चुका हूं मैं इट्स अ मैटर ऑफ ओनली हार्डली एक चार चार से पांच लेक्चर यार तो थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना क्योंकि अभी अपन कॉन्सेप्ट वापस जो बैलेंस पोर्शन है वही बैलेंस पोर्शन है कॉन्सेप्ट के लिए तो सर मैं ये समझा रहा हूं कि भाई यार एक ब्रांच ऑडिटर होता है ब्रांच ऑडिटर को हम लोग नाम क्या देते हैं अदर अदर ऑडिटर ऑडिटर अब का, का काम मैं यूज करूंगा काम यूज करूंगा मतलब उसने काम कर दिया और वो मुझे बताएगा कि हमको इधर आरएमएम मिला हमको इधर नहीं मिला हमको इधर मटेरियल मटेन में मिला हमको इधर मटन मिस्टेटमेंट नहीं मिला ब्रांच के रिलेटेड फिर उसको मैं इंकॉर्पोरेट करूंगा अपने पूरे 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 ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड पु में नहीं है वैसे लेकिन सिक्स हंड्रेड का जिक्र कंपनी ऑडिट चैप्टर में किया हुआ इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं जितना जिक्र किया उ बड़ा होगा आप सी एफ एन में जाओगे तो आपको एक ऑडिट ऑफ कंसलटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा उसके अंदर ये detailed cover होगा सर लॉजिक एकदम सिंपल है होल्डिंग एंड सब्सिडी अब मेरे को बताओ अगर आप होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हो उसको ऑडिट कर रहे हो ओके डोंट यू थिंक का भी तो आपको फिगर ही नहीं मालूम है आप तो उस पर रिलाई करोगे ब्लाइंडली तो सब्सिडरी ऑडिटर अगर कोई दूसरा रहा तो उसका काम यूज करना पड़ेगा आप तो ना जाके सब्सिडी में जाके ऑडिट करोगे यार क्या मजा कर रहे हो क्या इसीलिए यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर ये कॉन्सेप्ट होता है सर व्हाट अबाउट इंटरन ऑडिटर एंड एक्सपर्ट ओके आपने बताया 600 610 620 उसको थोड़ा सा ब्रीफ में खत्म कर दू दो, दो मिनट में मेरे मेरे को 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 बताओ बताओ क्या क्या रखती है आपने है 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 पढ़ा भी भी के काम है, में. का में काम में का करना करना वो प्रोसीजर नहीं करती अब मेरे को बताओ, को भी करना पड़ता ना थोड़ा सोच समझ के बताओ क्या लगता है तुमको दिमाग में झेपता को स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है क्या वो टीओसी करता है व्हाई ही टीओसी मेरा आंसर दो भाई दिमाग मत खराब करो टीओसी क्यों करता है मालिक समझ में आया इसलिए ऑडिटर अबिटर ने भी टीओसी किया हुआ है अब जो बंदा इंटरनल ऑडिटर जिसने टीओसी किया हुआ है ऑलरेडी उसने टीओसी किया हुआ है डोंट यू थिंक उसी का काम में वापस यूज कर सकता हूं यार मतलब यार उसने टीओसी कर लिया ना मालिक तो वाई अपन ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि यार उसने जो किया, उसी को मैं यूज करके सबर डिसाइड कर लू मैं कर सकते हैं तो छे सौ दस बताएगा ले, आपका मन किया और का काम यूज कर लिया ऐसा नहीं होता मालिक आपका मन किया और ऑडिटर यूज कर लिया ऐसा नहीं होगा मालिक मालिक आपको समझना होगा यू नीड टू अंडरस्टैंड ओके okay, जैसा तेरे को मन कर रहा है। नहीं नहीं चल वो ऑर्डर का रिपोर्ट यूज कर लेते डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा इज प्रोसीजर अपना स्टैंडर्ड 600 610 620 बीस स्टैंडर्ड ये बताते हैं कि आप जब किसी और का काम यूज करोगे तो आपको तो कुछ काम करना ही नहीं है क्योंकि आप किसी और का काम यूज कर रहे हो आपको ये एंश्योर करना है कि सामने वाले के साथ जब काम यूज करेंगे तो कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे कुछ प्रोटोकॉल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे वो आपको यह स्टैंडर्ड बताएगा तो 600 वाला स्टैंडर्ड किसके लिए बताता है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर 610 वाला स्टैंडर्ड किसके लिए बताता है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर यानी मोर ऑफ टीओसी इंटरनल ऑडिटर बाकी ना थोड़ीडी प्रोसियर करेगा अदर ऑडिटर तो पूरा ब्रांच का ऑडिट कर देगा पूरा सब्सिडी का ऑडिट करेगा तो उसकी पूरी रिपोर्ट मैं यूज करूंगा इधर इंटरनल ऑडिटर 610 में तो मैं खाली उसका टीओसी का काम यूज करूंगा मालिक और 620 जो आपने बोला सर वो एक्सपर्ट्स अब थोड़ा सा थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो यार एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार ओके मेरे को बताओ अगर टाटा -टा टी का मैं ऑडिट कर रहा हूं टाटा टी हाँ टाटा टी अब टाटा -टा टी का ऑडिट कर रहा हूं और मैं उनको बोल रहा हूं मेरे को बताओ आपकी इन्वेंट्री मेरे को बताओ मेरे को इन्वेंट्री काउंट करना है याद है इन्वेंट्री काउंट ओके पांच सौ एक अपने इन्वेंट्री काउंट किया था अटेंड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन जाकर उधर चेक करो ओके और मैंने आपको बताया था फ्लोर टू शीट मेथड शीट टू फ्लोर मेथड

मां कसम समझ में आया कहा से आएगा मेरे को इन्वेंट्री काउंट अरे क्या एक एक पत्ती तोड़ तोड़ के एक, दो, चार करूंगा काउंट क्या पागल हो गया क्या अपन आर यू गेटिंग द पॉइंट ओके समझ में आ रहा है लेट अंडरस्टैंड ओ एनजीसी को ऑडिट कर रहे हैं या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऑडिट कर रहे ओके okay, मैं उनको बोला मेरे को बताओ तुमने लिखा है बैलेंस शीट में कि भाई हमारे पास इतना सारा पेट्रोल रिजर्व पड़ा हुआ है इतना सारा पड़ा हुआ है मेरे को बताओ किधर एक्जेटली है वो बोला ठीक है सब मरीन में जाना पड़ेगा अपने को समुद्र के बीच में जाना पड़ेगा उधर मैं था मैं बोला वाह लाइफ में 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 सबमरीन सबमरीन बैठने मिला मालिक मैं में गया 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 एक बीच समुद्र के एकदम बीच में सबमरीन लेके गया और उधर दिखाया ऐसा दूर से दिखाया वो देख भाई उधर 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 वो जो खड्डा दिख रहा है ना उसके अंदर हमारा पेट्रोल है वो हमारा है हमारा है ओके अब क्या लगता है मैं खुदी मार के देखू कितना लीटर है उसके अंदर पॉसिबल है मेरे से नहीं ओके एनवायरमेंटल लाइबिलिटी अरे चिमनी है एग्जांपल एक फैक्ट्री का ऑडिट कर रहा हूं वो फैक्ट्री में चिमनी लगी हुई है माना मैंने धुआं छोड़ती है और मेरे को देखना है ये धुआं कितना छोड़ती है कितना एनवायरमेंट पे इंपैक्ट करती है ओके okay, क्योंकि एनवायरमेंटल लाइबिलिटी मेरे को कैलकुलेट करनी है ओके तेरे को क्या लग रहा है चिमनी के ऊपर मैं बैठूंगा हां धुआं लूंगा अ, लंग खराब हुआ है माँ का पागल आदमी है क्या तो कौन लगेगा मेरे को एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट काम करेगा ये लेकिन एक्सपर्ट काम करने के पहले क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा वो 620 बताएगा तो 600, 610, 620, 600, 610, 620 सौ बीस छे सौ छह सौ दस छे सौ बीस स्टैंडर्ड की सीरीज है अगर आपको याद होगा तो लेकिन 200 की देखे 300 की सीरीज के नाम देखे 400 की सीरीज अपने नहीं देखा है क्योंकि चार का मैंने बताया था फोर में आएगा तो चार की सीरीज नहीं देखी है पांच की सीरीज तो बहुत बड़ी देखी हुई है छे की सीरीज आपने अभी तक नहीं पढ़ी थी अभी पढ़ लिया छे में तीन स्टैंडर्ड है कौन से कौन से छे सौ छह सौ छे किसके लिए यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर 610 इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड 620 इज यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट यूजिंग द यूज ऑफ्ट एक्सपर्ट कंप्लीटली इन फाइनल यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर इज आल्सो इन फाइनल बट सम पोर्शन इज गिवन हियर एंड यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज कवर्ड इन चैप्टर फोर्टीथ

उसको एडवाइस करना पड़ेगा उसके साथ कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूसली जरूरी होगी उसके साथ कुछ चेकलिस्ट या क्वेश्चन देनी होगी चेकलिस्ट के थ्रू अपन उसको देख सकते हैं बस खत्म स्टैंडर्ड

वो 20 परसेंट ट्वेंटी करोड़ के ऑडिट में ब्रांच ऑडिट में वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है

प्लानिंग uh, में पर एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ भाई एक चीज वापस मैं बार बार मैं जब रिपीटेडली बोलता हूँ प्लीज डू एंश्योर दैट देखो इट इज इट इज बिग चैलेंज मतलब ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और ये शायद आपके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा ये भाई यार कॉन्सेंट्रेट करना इट इज ए बिग चैलेंज मेरे लिए वापस जब वो पेन हुआ उसके बाद वापस जब चालू किया ना मैं अभी अकेला पढ़ाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मैं बहुत पागल जैसे हो रहा हूँ मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपको आपको झूठ लगेगा मतलब आपको ये झूठ लगेगा पर मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ मैं इतना इतना पीक पे मैड हुआ मतलब मैं ये लेक्चर मैंने कल वापस रिकॉर्ड किया हुआ था और ये रिकॉर्ड करके डिलीट किया और वापस आज रिकॉर्ड किया ओके okay, सर कारण क्या हुआ मालूम है क्या मैं अकेले में बड़बड़ बड़ कर रहा मेरे, मेरे ये था और आप लिटरली आप इमेजिन नहीं करोगे मतलब, uh, मतलब, डाल रहा था मतलब 141 और वो जो दो, तीन को मैं कर रहा था तो मैं बोलते बोलते मैं सी फाइनल का कंटेंट पढ़ा दिया मालिक और सी फाइनल का कौन सा कंटेंट चालू कर दिया का डायरेक्टर का मतलब उसमें मेरा एक प्रोसीजर ये भी है कि हम लोग रोज प्रोसीजर ऐसे फॉलो करते हैं कि लॉ के रोज क्वेश्चंस मैं सेट बना रहा हूँ और ग्रुप में भेज रहा हूँ ओके जैसे अपन के क्वेश्चंस हो रहे हैं तो ये मैं मॉड्यूल के सब क्वेश्चंस डाउनलोड कर रहा था और लास्ट पाँच छह दिन से जब बैठा हुआ था तो मैं कंपाइल कर रहा था तो आप इमेजिन नहीं करोगे मैं डायरेक्टर्स का सब पढ़ा दिया इसके अंदर मतलब आप इमेजिन करो कितना एबसेंट माइंडेड रहेगा मेरा सिनारियल मतलब ऑलमोस्ट वन आवर ट्वेंटी ट्वेंटी टू मिनट्स कुछ हुआ रहेगा डेढ़ घंटे का अप्रोक्सीमेट हुआ रहेगा उसके बाद तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन ही आ गया मैं बोला क्या कर रहा हूँ मैं मैं डायरेक्टर पढ़ा दिया मतलब आपके लेक्चर में ऑडिट में मैं ऑडिट मेरे पास तो दूसरा भी कोई सब्जेक्ट है नहीं रिकॉर्ड करने का खाली अमेंडमेंट है तो तुम्हारा ऑडिट खत्म होने के बाद मैं मैं के अमेंडमेंट और जब नोट बना रहा था तो डायरेक्टर का वो पढ़ाते जाता मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा क्या कर रहा हूं मैं इतना मतलब इतना वर्स्ट हो सकता है क्या ये सुना मतलब मेरे को समझा ही नहीं और बहुत बार क्या होता है अभी मैं नोट्स लेके नहीं बैठता पढ़ाते हुए मेरे दिमाग में रहता है कि कहा भाई अभी ये पढ़ाना है तो मेरे फॉर्मेट से मैं पढ़ाते जाता है यार

Um, I'm much better today. Okay, so, बस यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है कि प्लस माइनस रहता है Okay, जब कुछ कर नहीं सकता उसके लिए एंड बीच का जो मतलब मेरा सबसे पेनफुल टाइम गया है दिस इयर इज वेनी वे वर्स्ट कुछ किसी भी दिस में देखे तो पर मेरे लिए तो और भी पेनफुल था मतलब इट वॉज लंप निकालने से लेकर बहुत सारी चीजें में सो so, बस मालिक एंड uh, uh, अगर सच्ची में बोल रहा हूं मतलब अगर आपको अच्छा लग गया होगा मतलब आपको कंटेंट ऑडिट का जो मैंने पढ़ाया यू थिंक इट इज़ वर्थ देखो मेरे पास इतना है कि मैं बहुत टाइम पास नहीं कर पा रहा मतलब मैं बहुत uh, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इंटरेक्ट करूँ लेकिन अगर मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं मतलब ये मतलब इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा मतलब आप कोशिश कर लाइव बैच फेस टू फेस बैच होता है ना उसमें चीज़ें ही अलग होती है उसमें रिकॉर्डिंग होती है उसकी चीजें ही अलग होती है यार तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बस आ, ये मैं चाह मतलब मेरा मेरे को ऐसा लग रहा है मतलब जा मतलब बस मेरे को ये बहुत ये होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा आपको ऑडिट कॉन्सेपचुअली समझा होगा आपको लिंकेड समझे होंगे ओके इवन रिवीजन लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होंगे ओके okay, मैं अभी इवन दो चार दिन में मैं वो चार्ट का मैं प्रिंट करा के वो भी अपलोड करा दूंगा तो होपफुली आपको ये लगा होगा तो, तो एक बस थम्स अप अपडेट कर देना मालिक ओके okay, मेरे को एक व्हाट्सअप मैसेज डाल देना था कि क्या मेरा मोटिवेशन रहे अभी मतलब बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ मोटिवेशन विच आर रिक्वायर्ड राइट नाउ ओकेज हाँ भाई यार

ओके okay, so 2009 एंड और 2010 तो मैंने पूरे साल मैक्सिमम टाइम ये पढ़ाए हुए है यार तो थिंग्स आर डिफरेंट ओके सो ऑल टुगेदर ओके तो सीन ऐसा है मलिक तो होपफुली आपको समझ में आया होपफुली ओके मलिक तो देख लीजिए व्हेन द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच आर ऑडिटेड बाय पर्सन अदर देन कंपनीज ऑडिटर अदर देन कंपनीज ऑडिटर तो सर क्या कंपनी ऑडिटर भी ब्रांच ऑडिट कर सकता है आंसर इज यस

एस ए सिक्स हंड्रेड एस ए सिक्स हंड्रेड क्या बोलता है वर्क ऑफ एनादर ऑडिटर मैं एकदम स्टेटमेंट देखो ये बरबर यूज किया हुआ है जब आप वर्क ऑफ अनादर ऑडिटर यूज करोगे द प्रिंसिपल ऑडिटर यानी आपने को ब्रांच ऑडिटर ने क्या करना वो नहीं समझा है प्रिंसिपल ऑडिटर ने क्या करना है, ये अपना सिलेबस है प्रिंसिपल ऑडिटर शुड ऑडिट ने परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर एडवाइज द अदर ऑडिटर

The nature, and timing, and extent of procedure will depend on the circumstance of engagement and the principal auditor's knowledge of the professional competence of the other auditor. This knowledge may be or have been from the review of previous audit work of the other auditor. ठीक है, बस इतना ही अपना सिलेबस है। यानी अगर आपको ऐसे 600 का रेफरेंस लिखना है, तो कितने पॉइंट हैं? सिर्फ दो। दो पॉइंट क्या है? पहला, advice other auditor को करना है, और उसको advice क्या करना है? दो 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 पॉइंट हैं, दोनों advice के हैं। पहला advice planning का, और दूसरा advice

ब्रांच ऑडिट का पॉइंट खत्म हो जाता मालिक ओके ब्रांच ऑडिट इधर कवर हो जाता अभी अपन जॉइंट ऑडिट कॉस्ट ऑडिट एंड नॉन कंप्लायंस ओके ये तीन चीजें अपने को करनी है में कर रहा थोड़ा सा लेक्चर बड़ा रहेगा ढाई घंटे का जो भी रहेगा आप देख लेना उस कंटेंट में ओके okay, so जितना भी रहा तो मैं ढाई घंटे के ऊपर तो नहीं रखता लेकिन तो जितना भी जहां पर भी एंड होने रहा तो मैं एंड कर दूंगा मालिक है ना